तेरे कवन कवन गुण कह कह गावा, तू साहिब गुणी निधाना, तुमरी महिमा वर्णन ना सका, तू ठाकुर उच भगवाना। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी, नासरी महला पंजवा, जानकी कीनी पार ब्रह्म सार, निंदक टिकन ना पावन मूले, उड़ गए बेकार। जानकी कीनी पार ब्रह्म सार, निंदक टिकन ना पावन मूले, उड़ गए बेकार। रहा जह जह देखो तह तह स्वामी, कोई ना पहुँचन हार। जो जो करै अवग्या जानकी, होए गया तत्सार। करन हार रखवाला हुआ, जा का अंत ना पारावार। नानक दास रखे प्रभ अपने, निंदक काढ़े मार। करन हार रखवाला हुआ, जा का अंत ना पारावार। नानक दास रखे प्रभ अपने, निंदक काढ़े मार। वाहिगुरु जी वाहिगुरु जी का का खालसा, खालसा, वाहिगुरु वाहिगुरु जी जी की की फतेह। फतेह। भगत वत्सल कारणा निदान, दीना बंधु पतत पावन, जगत गुरु निरंजनी ज्योत, धन धन साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज, धन धन साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी महाराज, धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की महान बख्शिश कृपालता का सदका, प्रबंधकों के श्रेष्ठ उद्यम द्वारा हर रोज की तरह अज भी शाम के दीवान सजे गुरु महाराज के पावन चरणों में महाराज के सेवादार ने श्री रहराज साहब जी का नितनेम सारी संगत को सरवण कराया है। उपरंत ज्योति टकसाल के विद्यार्थियों ने बहुत प्यार दे नाल थोड़े समय विच बाणी का कीर्तन, जिन्हां दसंदड़ियां दुरमत वंजे मित्र साढ़े सही हूँ ढिडेदी जग सवाया, जन नानक बिरले कई। क्योंकि जिहड़ियां पवित्र चीज़ां हुंदियां, कीमती वस्तुआं हुंदियां, बहुतियां नहीं हुंदियां, थोड़ियां हुंदियां। जंगलों विच बहुत तरह के जानवर है, शेर बिरले बिरले है, उन्हां चों केरी है, बबर है, वो भी बिरले निकलते। पहाड़ पत्थर बहुत भरे पे है, पर हीरे बिरले ही है। इस तरह मनुष्य तो सारे ही है, पर मनुष्यों के विचों
कोई डॉक्टर बनना, फिलासफर बनना, इंजीनियर बनना, कोई साइंसिस्ट है या कोई धर्मी नेता है, ये भी विरले होंगे है। पर सारे विचों किसी संत का होना, सूरमे का होना, दानी का होना, ये होर भी बहुत घट मिलते हैं। इस वास्ते उन्हां वास्ते महाराज ने इशारा दिता कि जिन्हां दे दर्शन दीदार करना, अमृत वचन सुन नाल खोटी मत जिहड़ी है नास हो जांदी है, शुभ मत दा प्रकाश हुंदा है वो बिरले है। पुठी मत देण वालिआं दे तां टोले थां थां बैठे है, पर चंगी श्रेष्ठ मत देण वाले बिरले बिरले मिलते हैं। नशे पीण वाले, पलाउण वाले और इस तरह विषयी लोग है, पांबर लोग है, बेअंत मिलणगे। पर जिज्ञासु विरती वाले जिन्हां दे अंदर परमात्मा दे मिलण दी इच्छा, वो बिरले है। जिज्ञासुआं तो के जिहड़े ज्ञानवान पुरश है जिन्हों आत्मा पद की प्राप्ति हो गई है, वो होर भी विरले हैं। विरले ना ही कणे फैल पकड़ संसार, ये नहीं कहा जाता भी है नहीं है, विरले है। जे कही भी बीज ना आसिया कई तुम लकीरे फेरती, ये संत कोई है ही नहीं, कमे नबेड़ दिता। पर ऐसा नहीं, ये गुरु नानक पातशाह का कलगीधर पातशाह का पंथ है, ये कदी भी तो खाली नहीं हो सकता, क्योंकि इसकी सिरजना अकाल पुरख के हुक्म विच होई है। प्रगट्यो खालसा परमात्म की मौज, परमात्मा की मौज विच यह पैदा होया। सिख कौम की गिणती भावें घट है, पर इन्होंने विद्वान भी बहुत पैदा किए, सूरमे भी बहुत, दानी भी बेअंत, परपकारी भी, ते नाम की कमाई वाले नाम रसीए महापुरख भी बेअंत पैदा किए, पिछे भी हुण गां भी हुंदे रहने। ये गुरु महाराज की बड़ी देन है। सिखां विच दो तीन चीज़ां जिहड़ियां इन्हां नूं नुकसान पहुँचा रही, एक तां नशा बहुत आ गया, दूसरा इन्हां ने अपना जिहड़ा कर्म धर्म वो त्यागना शुरू करता, रोमां की बेअदबी धड़ाधड़ हो रही है। वो भाइयां च नहीं माइयां च भी बीमारी आ गई है, और जिहड़ी फुट है ये बड़ी है बेइत्तफाकी। एक चंगे पुरशां की आलोचना वाला भाव बहुत ज़्यादा बढ़ गया। ये ऐसियां चीज़ां जिहड़ियां साढ़े सारे पवित्र गुणा के पानी फेर रही, इन्हां दे निशान धाम सारे संसार विच है। लंगर बेअंत चलते हैं, प्रचार बड़े हो रहे हैं, कुरबानी नूं हर थां हो रहे हैं, और दुनिया के बड़े बड़े जंगल इन्हां ने आबाद किए हैं। जड़ा मोर्चा नहीं फतेह होंदा उत्थे जांदे आ। बेअंत गुण हैं अज भी है, पर जिहड़ियां दो चार बीमारियां पैदा हो गईयां ना, जिवें दुध विच कांजी पै जाए तो वह फुट जाता, बिगड़े चाटा दुध का कांजी की चुख है। भाई गुरदास साहब कहिंदे वी चाटा दुधा भरिया कांजी थोड़ी जी पै जाए फुट जाता ना। ये जड़े औगुण आ
ये साडा नुकसान कर रहे हैं। अगर इन्हां दा त्याग कर दईए दुनिया की कोई ताकत ऐसी नहीं जो खालसा पंथ दे अगे खड़ सके। ये बचना नूं ध्यान विच रख के अमल विच अज लियाउण दी लोड़ है। एक वेरी भूतपूर्व हिंदुस्तान दे प्राइम मिनिस्टर ने यह गल कही सी, अटल बिहारी वाजपेयी ने, कि इस वेले लोग चंद वल जा रहे, होर ग्रहां वल जा रहे, कोई जा के अपने फार्म बनाएगा, फैक्ट्रियां लाएगा, चंगे मकान बनाएगा अपनी सुख सुविधा, पर जे गुरु नानक पातशाह कलगीधर दा सिख चले गया ये सब तो पहला केसरी निशान चलाएगा, गुरुद्वारा साहब बनाएगा, गुरु ग्रंथ साहब का प्रकाश करेगा, संगत पंगत दी मर्यादा कथा कीर्तन दीवान लाएगा। ये प्राइम मिनिस्टर ने गल कही कि सिखां विच सब तो पहला ये काम है। ये गल अत कथनी नहीं, बिल्कुल सही है। फिर साढ़े चैने गुण हुंदियां होया असी मार क्यों खा रहे हैं? मार खाण दा कारण असी एक दूजे दियां लत्तां खिचणियां शुरू कर दित्तियां। दसम पातशाह जी ने चौलां दियां देगां बनाईयां सी, पहलां हरन छड्डे, वह खा के कुखां भर के चले गए। दूए दिन कुत्ते छड़ते, कुत्ते दा कुत्ता बैरी, खादा किसी ने वढ़ वढ़ के लहू लुहान हो गए। महाराज कहिंदे खालसा जी समझे, कहिंदे महाराज मेहर करो, सुमत बख्शो, कहिंदे जे तां हरना वाली प्यार बिरती धारोगे ना फिर तां राज भी भोगोंगे, इस लोक दा परलोक दा भी सुख लोगे। दे च कुकर बिरती धार ली ते हा ही कुछ है, हुण अपने मन नाल झात मार लियो पे आपां किधर तुरे होए हां। एक साढ़े को गुरु ग्रंथ साहब सी, असी इनू भी नहीं संभाल सके, क्यों सारा पिंड जड़ा वो नशियां च गर्क आया, उन्होंने अपना अपने परिवार का कोई चित चेता नहीं, नशे च गड़ूंद होए फिरदे, तो गुरु ग्रंथ साहब का किनू फिक्र है? जदों पहरेदार ढिले हो जाते हैं ना फिर घर की भी इसत्री की भी इज्जत रुलती है, धर्म निशान ताम उन्हां दी भी बेअदबी होंदी है, तो जे बारस तगड़ा होवे उस वेले भी ऐसे समय बने मसा रंगड़ दोए सिख सके, पर है गए सी। गज के बोलो, इस वास्ते गुरमुख प्यारियो ये कथा कहानियां किनियां सुन लो गल, ते ओही है मुड़ मुड़ के, कोई नवी नहीं है। पारण करो कि असी रोमां दी बेअदबी नहीं करांगे, नशियां दा त्याग करांगे, बेशियां दा, फैशनां दा त्याग करांगे, फिर गुरु की रहत मर्यादा विच आ के खंडे वाड़ा अमृत छक के असूलां विच चलांगे। ये धरती दे मनुष्यां दी गल छड्ड दिओ, आकाश दे फरिश्ते तुहानूं नमस्कार करनगे। स्वामी विवेकानंद जी महापुरख होए आ सन्यासी, अमरीका विच वो गए, फारवर्ड देश आ उन्हें प्रश्न किया कि असीं ये गल पढ़ी है कि गुरु गोबिंद सिंह का जड़ा एक सिख है सिंह वो सवा लख दे नाल युद्ध कर सकता, ये अत कथनी नहीं? सन्यासी साधु उत्तर दे रहा है,
कहिंदे तुहानूं अमरीकनां नूं अत कथनी दीदी होएगी, पर मेरा विश्वास यह है जे गुरु गोबिंद सिंह दा जिस तरह दा उन्हें खालसा बनाया होवे, तिन्ना लोकां 14 भवनां दे लोक भी उहदे विरुद्ध आ जाण, उस सिख नूं उह शिकस्त नहीं दे सकदे। ये सन्यासी साधु कह रहा अमेरिका दे विच वो सच्चा स्वामी सी, स्वामी अज भी बहुत है, पर सच बोलना बहुत औखा हुंदा। बोलीए सच झूठ ना बोलीए, जो गुर दसै बाट मरीदा जोलीए। तो गुरु नानक साहब ने कहा ने सच की बाणी नानक आखै, सच सुनाए सी सच की बेला। सो समा इजाजत नहीं दिंदा, अज कुछ हिंट जिहड़े मैं नोट किए है, क्योंकि अज तुसीं जाप करना उहदे बारे इशारे देवांगे, क्योंकि फिर कई वारी भुल जांदे है, तो वह मैं फिर थोड़ा जिहा नोट कर लिया कि सतयुग में 10 वर्ष में हरि सिमरन फल होए, त्रेते में 1 वर्ष में सोई प्राप्त होए। कहिंदे सतयुग दे विच कोई 10 साल लगा रहे जिन्ना उहदा फल आ ते योग दा प्रभाव आ, त्रेते विच उह 1 वर्ष विच हो जांदा, उधर 10 साल इधर 1 साल। फिर त्रेते में 1 वर्ष में जो फल होए, तत् द्वापर में 1 मास में सोई प्राप्त सत। द्वापर विच 1 महीने विच, द्वापर में 1 मास में जो फल राम जपात, कलयुग में 1 दिवस में सोई राम फल तात। कहिंदे कलयुग दे विच जिहड़ा द्वापर च 1 महीना करना, 1 दिन कर लो ना वो महीने दे बराबर है, पर कलयुग च बिरती नहीं टिकदी, मन च कला कोई ना कोई बनी रहिंदी, कलेश बनिया रहिंदा। 5 कलेश हैगे आ, राग है, द्वेष है, अविद्या है, असिमता है, अभिनिवेश झूठा हठ है। हुण अज बहुत कहिंदे असीं नाम जपदे हैं, मन नहीं टिकदा, अमृत भी छकिया। दवाई किन्नी कीमती होवे, जिन्ना चिर यह ना पता हो पथ किहड़ा ते पथ किहड़ा, वह दवाई काम नहीं करती हुंदी। कपथ भी करी जाने हैं, बाणी भी पढ़ते हैं, नाम जपते हैं, वो किते किराए ते परोला फिर जाता है। ये गल्लां समझण पैंदियां हैं। जप करना जग आदि से 10 गुण है अधकाए। यग करना, अश्वमेध जाग गया, गैंडा मेध जाग गया, नर मेध जाग है, ये जुदे जुदे जाग है। कहिंदे 10 गुण इन्हां सारे जगां तों जिहड़ा जप जाग गया, तप जाग गया, ध्यान जाग गया, जप करना जिहड़ा इन्हां सारे जगां तों महान है। शब्द बिना जप करन जो श्रेष्ठ है सो पाए। पहला तो जदों जप जाग किया जाता ना कि शब्द का जप किया जाता, जदों सुरती टिक जाए फिर शब्द का भाव समझ के उहदे विच लीन जड़ा होना, इहदा फल होर बहुत वड्डा हो जाता। स्वासों से जो सिमरन सहसर गुणा है मीत, जड़ा फिर श्वासा ना करना, इहदा 1000 गुणा वध फल हो जाता। और इसे ओंकार जाप करो शरदा करन वनीत। कहिंदे इस वास्ते जड़ा एक ओंकार इहदा जापया हमेशा शरदा दे सहत करो कराओ। किवें करना, शुद्ध पवित्र स्थान में बैठे जाए एकांत। शुभ स्थान होवे, पवित्र होवे, उत्थे जाके एकांत बह जाओ। सो एकांती च हृदय ठाए,
जिदा मन अकागर वह अकंती है। तो जे पवित्र जगह जाके भी मन भटकता ही रहा फिर तो गल बननी नहीं। काम क्रोध बस इंद्र है मन की लहे भ्रांत, उस वेले फिर इं अकागर होके बैठना, चौंकड़ा ला के रीढ़ की हड्डी जड़ी सीधी रहे, टुलदा ही ना रहे। जड़े पंजे इंद्रिये है बकार काम क्रोध मोहकार दसे इंद्रिय मन, इन्हां दे अंदर किसी प्रकार की कोई विषय विकार की भ्रांति भरम बिरती है वो दूर करके फिर बैठे। तो जो पुरने पुरी जाते जाए एक दुयाल रूप रंग देख के मन उधर में भटकता है फिर तो गल बननी नहीं। ये चीज़ा जड़िया नाल करनिया पैनिया, कोट जग व्रत पूजा ध्यान वेद पाठ तपदान शनाना, कोट जाप धर्म भो नाना सफल नहीं तुल हर नामा। ये जिन्ने मर्जी व्रत पूजा और मूर्तियां दे ध्यान और वेद मंत्रां दे पाठ और धूणियां तपौणियां जल धारा तपस्या कई तरह के दान कई तरह के इनान कई तरह के जाप बहुत तरह के नाना प्रकार के धर्म धार लै जान, पर कहिंदे जिन्ने सारे फल है ना नाम के बराबर नहीं। नाम तुल ब्रह्म समसर एक जी क्या बखाने, हांक बल वल साधु लिहाल भट्टा ने कहा ना। जाप करो ओंकार का द्वादश सहस्र बार, फिर कहिंदे ओंकार शब्द का जाप 12,000 वेरी करो रोज। एक वर्ष करता रहे बिना बिघन एक सार, कहिंदे एक साल कोई बिघन ना पवे एक सार करता रहे, पाप और महापाप भी नाश होए तत्काल। पाप ते जड़े बजर पाप है तत्काल नाश हो जाएंगे। और फिर कहिंदे सदा शांत हर उर वसे, ते फिर पूर्ण पुरख कमाल उदा मन शांत हो जाएगा। ऐसी कमाल दी गल होएगी तुहाडी परमात्मा नाल गलवकड़ी पै जाएगी, अभेद अवस्था प्राप्त हो जाएगी। इहदे विच जिहड़े दस दोष बिघन आ उह त्यागणे पैंदे आ, उह किहड़े किहड़े? शिकार, जुआ, दिना नूं बेमतलब सुते रहना, संत महापुरखां दी निंदिया, पराए शरीरां दा बेविचार, शराबखोरी दा मतलब सारे नशियां दा त्याग, नाच गाउणा बजाउणा, आवारागर्दी विच घूमना, ये दस दोष है जिहड़े भजन दे विच बिघन पाउंदे आ। जे तो तुहानूं शौक हैगा ना ये गल्लां नोट कर लिओ, जिन्ना चिर इहनां दा त्याग नहीं करदे फिर जिहड़ा खाणा पीणा ये भी शुद्ध करना पैणा। आहार शुद्धो सतप शुद्धा सतप शुद्धो तुरबा सिमरता, जे तुहाडा भोजन शुद्ध आ तुहाडा अंतिशकरण शुद्ध आ, अंतिशकरण शुद्ध आ मन शुद्ध आ, मन शुद्ध बुद्धि शुद्ध आ, जिहड़ी पवित्र बुद्धि है उहदे ते आत्मा दा आभास तुहानूं नज़र पएगा। ते जिहदी बुद्धि मलीन हो चुकी है उह आत्मा नूं की देखेगा? शीशा साफ होएगा ते चेहरा दिसेगा, बुद्धि पवित्र होएगी ते आत्मा दा जिहड़ा प्रतिबिंब है उह तुहानूं नज़र आवेगा। इस वास्ते जिहड़ियां चीज़ां हैगियां इन्हां दी लोड़ है। जाप तो अं करते हैं पर इन्हां गल्लां नूं समझदे नहीं, सानूं पहले ये नहीं पता वे सिमरन की है। एक हुंदा है जाप जिहड़ा बोल के करना वर्णात्मक, दूसरा है धुनात्मक,
जाप हुंदा उचारण करके करना, जाप हुंदा मूँह च हौली हौली। और इस तरह फिर भजन हुंदा बार बार अभ्यास करना, सिमरन हुंदा उहदी याद विच बैठना। और जपा जाप है जिहड़ा सुते सिद्धा अपने आप हुंदा, इहनां दे भेद हैगे आ। इस करके फिर इहदा नाम का स्वरूप की है, एक तो वर्णात्मक दसिया ना, जिहड़ा वर्ण मैंने अखरां का उचारण करना, धुनात्मक जदों बार बार उचारण करते, जिवें घड़ियाल दे उत्ते थोड़ी मारदे एक धुन पैदा हुंदी ना, उस धुन का नाम है अनहदनाथ, जिहदी हद सीमा नहीं। एक रस अनहत भी कहिंदे आ, जिहदा नाश नहीं हुंदा। एक आहत शब्द है, एक अनाहत, आहत जिहड़ा चोट तो पैदा हुंदा, अनाहत जिहड़ा सुते सिद्ध। पंचे शब्द अनाहत वाजे संगे सारंग पानी, कबीरदास तेरी आरती कीनी निरंकार निर्बन। दूजा नाम का कारण, नाम जपण का कारण कि क्यों जपना, ये सत प्रकार का भय दूर हो जाता। जमां का भय, नरकां का भय, आ 84 लख जूनां विच भटकण का भय, माता दे गर्भ का दुख भय, आ सप शेर का भय, आ दुश्मन का, बीमारी का, चोट लगन का, मौत का, बदरूह भूतां प्रेतां का भय। अजकल हुण कईआं ने अमृत छकिया, वह भी कही जाते जी मैनू दब्बा पैंदा, भैड़े सुपने आउंदे आ, फलानी चीज़ साढ़े घर च घूमती है, वो फिर भटकते फिरते मंत्रियां जंत्रियां तंत्रियों को। पर जप जी साहब नूं बड़ा दुनिया ते कोई भी मंत्र नहीं। मूल मंत्र का अनुवाद श्री जप जी साहब, जप जी साहब का अनुवाद सारा गुरु ग्रंथ साहब है। जिथे जप जी साहब का पाठ है उत्थे कोई बादरू अपना प्रभाव नहीं पा सकती। पर साढ़े घर चो जप जी साहब चले गया, माफ करो बिरले बिरले। जे कहिए वो सिंह होगा मेरे घर वाली जी पाठ बहुत करती, उहदी खाधी रोटी तैनू मिल जाएगी। न्याणे नूं कहो मेरी मम्मी करती है। ये तो हरेक नूं अपना ही करना पैना। फिर सतसंग जी अगे है नाम का अभ्यास, पहला बैखरी बाणी है रसना द्वारा, फिर मध्यमा बाणी कंठ, फिर पछयंती सिर दे विच, फिर परा नाभी विच। साढ़े जिन्ने शरीर के रोम आ, इन्हां दी जड़ नाभी है। आ जिन्ना मर्जी मूँह सिर रगड़ी चलो फिर आई जाते, जड़ नहीं ना खत्म होंदी। और जदों परा बाणी नाभी विच जाप चले जाता, उस वेले गुरमुख रूम रूम हर ध्यावे की अवस्था बनती है। इहदे लई कमाई करनी पैंदी है। फिर नाम की औधी, और कहिंदे जिन्ने भी जीव आ सारे उहदा नाम ध्यांदे आ, क्योंकि जिहड़ा नाम जपदा ना उहदा फल की है, वो नामी का स्वरूप हो जाता। धन धन बाबा करम सिंह जी महाराज होती मरदान वाले, उन्होंने चरणों च एक महापुरख गए बाबा हरनाम सिंह केंगाले, उन्हीं बचन आप सुनाया। कहिंदे महापुरखां ने कृपा की, जदों मैं अभ्यास च बहना तो मेरे शरीर विचों आवाज़ां आउणियां, जिले मैं अखां खोल के देखना कोई बना, तो मैं बड़ा हैरान पे आवाज़ कितों आउंदी है। कहिंदे मैं संत महापुरशां गया, वो हस पै, कहिंदे महाराज आप जी, कहिंदे तू अपने रोमां नाल कान ला के सुन ले। जिले वो कान लाए, कहिंदे वो आवाज़ मेरे अंदरों ही आ रही सी, क्यों अवस्था प्राप्त हो गई सी।
ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਸੁਣਨ ਵਾਲੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਬਿਨਾਂ ਮਿਹਨਤ ਤੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਹਾਰਾਜ ਗੀਤਾ ਜੀ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਅਭਿਆਸ ਸਿੰਧੂ ਕੁੰਤੇ 'ਚ, ਇਹ ਕੁੰਤੀ ਪੁੱਤਰ ਅਰਜਨ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰ, ਜਦੋਂ ਕਰਨਾ ਧਰਤੀ ਬਰਾਬਰ ਹੋਵੇ, ਸਿੱਧੇ ਹੋ ਕੇ ਇਕਾਗਰ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠਣਾ, ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਭੈ ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਰੱਪਾ ਨਾ ਹੋਏ। ਫਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਅੱਖ ਮੀਟ ਕੇ ਨੱਕ ਦੀ ਕੁੰਬਲੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਨਾ, ਜਦੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਦੋਹਾਂ ਭਰਵੱਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁਰਤ ਲੈ ਜਾਣੀ, ਫਿਰ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨਾ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਕਰੇਗਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੈਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਏਗੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਤਾਂ ਬੜਾ ਔਖਾ ਕੰਮ ਆ, ਕੋਈ ਸੌਖਾ? ਕਹਿੰਦੇ, ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਸੇਵਾ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਜਾਂ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਮੇਰਾ ਬਿਸਤਰਾ ਵਿਛਾਉਣਾ, ਮੇਰੇ ਦਾਤਣ ਕੱਟ ਕੇ ਲਿਆਉਣੀ, ਮੁੱਖ ਮੰਜਣਾ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਜਲ ਪਾਣੀ, ਲੰਗਰ ਪਾਣੀ, ਮੇਰੇ ਵਸਤਰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨੇ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਹੋਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਕਹਿੰਦੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਤਾਂ ਫਿਰ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਵੀ ਔਖਾ ਹੀ ਕੰਮ ਆ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਰਹੂੰਗਾ, ਰਾਜ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਸੌਖਾ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ, ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਲੰਗੜੇ ਲੂਨਲੇ ਪਿੰਗਲੇ ਅਪਾਹਜ ਬਜ਼ੁਰਗ ਯਤੀਮ ਲੋਕ, ਤੂੰ ਰਾਜਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਾਨ ਦਿਆ ਕਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਕਹਿੰਦੇ, ਮਾਰਾ ਮਨ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਤਾਂ ਪੇ ਲੈ ਤੋ ਰਾਮ ਆ ਦੇ ਤੋ ਰਾਮ ਨਹੀਂ, ਆ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਦੇਣ ਨੂੰ ਚਿੱਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਸੌਖਾ ਜਿਹਾ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ, ਚੰਗਾ, ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਸੌਣ ਲੱਗੇ ਨਾ, ਇੰਨਾ ਕਹਿ ਦਿਆ ਕਰ, ਮੈਂ ਬੜਾ ਪਾਪੀ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ। ਪਰ ਬੰਦਾ ਪਾਪ ਕਰਕੇ ਵੀ ਪਾਪੀ ਮੰਨਦਾ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਯੁਧਿਸ਼ਠਿਰ ਪੋਤਿਆਂ, ਮੇਰਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਆਪ ਜੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਵੇਰੇ ਵੀ ਉੱਦਮ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਚਲੋ ਗੁਰੂ ਘਰ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਚੇਟਕ ਲਾਉਣ ਲਈ, ਅੱਗੇ ਸੰਤ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਚੇਲੇ ਨੂੰ ਚਾਟੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਚਾਟੜੇ ਦਾ ਮਤ ਹੁੰਦਾ ਚਾਟ 'ਤੇ ਗਜਾ ਦੇਣਾ, ਚਾਟ ਲਾ ਦੇਣੀ, ਕਦੀ ਫੁੱਲੀਆਂ ਦੇ ਦਿੱਤੇ, ਪਤਾਸੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ, ਹੋਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਆਉਣਾ ਗਿੱਝ ਜਾਣਾ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਸੁਭਾਅ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਹਫ਼ਤੇ ਵਾਰੀ, ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਆਦਤ ਬਣ ਜਾਏ। ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੈਣਾ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਵਾਰੰਵਾਰ ਵਾਰ ਪ੍ਰਭ ਜਪੀਐ ਪੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤੇ ਮਨ ਤਨ ਤ੍ਰਪੀਐ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਇਹ ਚੰਗਾ ਉੱਦਮ ਆਪ ਜੀ ਕਰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਸਵੇਰੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜਾਂ ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛੱਕ ਕੇ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਅਭਿਆਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਬਰਕਤ ਪਊਗੀ। ਅਤੇ ਜੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਨਸ਼ੇ ਵੀ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਹੋਰ ਵੀ ਮਾੜੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਵੀ ਚਲੋ ਆ ਕੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਗਏ, ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਨਗੁਰੇ ਦਾ ਨਾਂ ਜਪਿਆ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕੰਮ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਹੀ ਹੈ। ਸਫਲ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣ ਕੇ ਜਪੋਗੇ। ਗੱਜ ਕੇ ਬੋਲੋ ਗੁਰੂ। ਅਤੇ ਜੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰੀ ਚਲੋ। ਅਧਿਕਾਰ ਤਾਂ ਹੀ ਬਣੂਗਾ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਪ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਤੋਂ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰੋਗੇ। ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਚੰਗਾ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਫਲ ਤਾਂ ਮਿਲੂਗਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੰਮ ਆ, ਬਿਨਾਂ ਉਸਤਾਦ ਬਿਨਾਂ ਮੁਰਸ਼ਦਾਂ ਰਾਹ ਨਾ ਹੱਥ ਆਵੇ, ਬਿਨਾਂ ਦੁੱਧ ਨਾ ਰਿੱਝਦੀ ਖੀਰ ਮੀਆਂ। ਉਵੇਂ ਭਾਵੇਂ ਕੱਛਾਂ ਮਾਰੀ ਚੱਲਿਓ, ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਹਾਂ, ਜੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਬਸਮੇ ਲਾਉਣੇ, ਮਹਿੰਦੀਆਂ ਲਾਉਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀਆਂ, ਨਸ਼ੇ ਪੱਤੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇ, ਔਰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਜੋ ਸਿਧਾਂਤ ਉਹਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇ,
आके संग च बैठे उन्ना समा जरूर सफल है, चंगा काम है, पर गुरु की बख्शिश उदों मिलनी है जदों तुसी गुरु वाले बन के नाम जपोगे। ये बहुत जरूरी है। अज साडे डेरे दी माता से बड़े बजुर्ग समझो हर कोले संत उन्हां दे ताए चाचियां दे थां लगदे सी। वो माता कहिंदी वी मैं सेवा बहुत करदी रही हाँ, तो इस तरह कि मेरे घर का वातावरण इस तरह का सी कि मैं अमृत नहीं छक सकी, मैनू की हुक्म है। मैं कहा तुसी शरीर त्यागण तो पहला अमृत छक के गुरु वाले जरूर बनू, फिर तुहाडे को ये महाराज का बाणा होएगा, बाणी होएगी, परवाना होएगा, तो सचखंड तुहानू बढ़न देणगे, नहीं तो मुश्किल ही है। इस करके जिन्हें तुसी नाम जपनाउणे आ बड़ी चंगी गल आ, पर गुरु वाले बन के जपोंगे तो महाराज की प्रसन्नता मिलेगी। आउंदे आ बहुत चंगी गल आ, तुहानू चेटक लगेगी, तुहाडे अंदर शौक जागेगा, प्यार पैदा होएगा, कुछ समय लिए एकाग्रता आएगी, पूरा फल उदों होएगा जदों हुण देखो उवें कोई हथियार पा लो, अपने आप वर्दी पा लो, बार्डर ते खड़ जाओ, उन्हें कहना यह साडा नहीं, उन्हें कहना साडा नहीं, दोहां पासों कुट पऊगी। पर जे किसे दे सरकार दे बन के रैंक भी मिलते है, खर्चा पानी भी मिलता है। इस करके गुरु वाले बनना जड़ा वो बहुत जरूरी है। प्रथम रहत जे जान खंडे की पहल ले, सोई सिंह सजान अवर न पहल जोले। पहली रहत यह है खंडे का अमृत छकना, अमृत छक के गुरु वाले। हुण डल्ले ने कहा सी मैनू सचखंड जगा, सेवा भी बहुत की संकट समय, महाराज कहिंदे भी अमृत छकना पाया, कहिंदे महाराज इवें, कहिंदे नहीं ये इस तरह विधान है। दयालदास कहिंदे महाराज ही तो सतवें पातशाह तुरे आने हैं, कहिंदे तो मौजूदा जिहड़ा टीचर आ उन जो कहना वह मनना पैना, हुण हुक्म इवें ही आ। इस करके अमृत छकने पए सी, अमृत छक के गुरु वाले बने, बरकतां लईआं, ते वध तों वध अमृत छक के गुरु वाले बनो। तुहाडा धन्नवाद है कि तुसीं आउणे आ इस दिन ते, पर जे अमृतधारी हो के करोंगे उस होण वाले अभ्यास दा जो अनुभव है तुहानूं आपे ही पता लग जाएगा। बाबा ज्वाला सिंह महाराज नूं संधु बसां वाले हजारा सिंह बसंत सिंह उस इलाके दे पता ही होना, कहन लगे महाराज रोज़ गुरु रामदास साहब दे जाने हैं, चनान भी करते हैं, सेरे चढ़ाने हैं, प्रसाद कराने हैं, होर भी बहुत कुछ करते हैं, महाराज दर्शन नहीं होंदे। कहिंदे पहला अमृत छको, आ जिन्नियां मादक चीज़ां त्यागो, रहत मर्यादा परपक हो, करहतां छड्डो, फिर उन्होंने उन्होंने इस पासे लिया। फिर क्या वे एक बजे जायो, पहला बाहर इनान करना, फिर दुख भंजनी बेरी गल्ला नहीं करनिया, श्री जप जी साहब पूरा पढ़द्या पढ़द्या दरबार साहब पहुँचना भेटा लैके, फिर हुक्म मुताब गए। जल्ले दुख भंजनी बेरी इनान करके निकले, अठ सर तीर जाते सी, एक सिंह आया तो फतेह बुलाई चले गया, वो सारा यात्रा करके आ गया, महाराज नमस्कार भेटा चढ़ा के, कहिंदे महाराज दर्शन नहीं होए, कहिंदे ने फतेह बुलाई सी, एक बजे वो कौन सी संत उथे बैठे, कहिंदे गुरु रामदास जी सगे, फिर अखां च अथरू आ गए, फिर दर्शन भी होए, नमस्कार बना, आशीर्वाद ना। इस तरह साध सिंह दर्शन को लोचा सब कोई, पूरा भाग प्राप्त हुई, चाहते सारे हैं, पर चीज़ा उदों होनियाँ जदों निजम बनाए हुए आ। नाम जपन का भी कोई असूल आ, कोई निजम आ, कोई तरीका है, उन्होंने निजमां च आ के करांगे तो फिर गुरु महाराज बड़ी छेती बख्शिश भी कर देंगे। कहिंदे भेदी लीना साथ कर लीनी वस्त लिखाए, कोट जानू का पथता खिन में पहुँचा जाए। चार बड़े बड़े प्रोफेसर बंबे कोई कानफ्रांसी जा रहे हैं,
वह पड़ाकू नक्शे कोल ते जिले साह गए तो राह भुल गए चराहा आ गया कहन किधर जाए उधर टाइम दिता है भंबल भूसे पै गए कि जे लेट हो गया कहना इन्ने पढ़ के तु समय की कदर नहीं करते उत्थे एक भेडां चारन वाला चरवाहा लड़का उत्थे एक नौकर छड़िया उन्हूं नाल लिया इलाके का वाकब सी रास्ते का उत्थे पहुँचा के आया। इस तरह जिहड़ा धर्म मार्ग है भेदी लीना साथ कर इस रास्ते का जिहड़ा भेदी महरम उहदा साथ लाओगे दीनी वस्त लिखाए जड़ी गोज वस्तु साडे अंदर छुपी हुई है उन्हों लिखा दिंदा जना दिंदा कोट जन्म का पथ है एक करोड़ों जन्मों का रास्ता 84 लाख जूनों घूमता होया 7.5 करोड़ साल तो बाद मानस दे विच आया ते साध संग जी दी कोट जन्म का पथ था खिन में पहुँचे जाए जो पूर्ण पुरख की संगत हो जाए उहदे बचन का अधिकारी बन के करेगा। जड़ियाँ आपां टक्करां बहुत समय तो मारदे हां खिन विच उस जी की प्राप्ति जी नूं प्राप्ति करनी चाहते हैं। इस वास के साध संगत जी ये सतगुर सच्चे पातशाह ने कृपा की है क्योंकि कल फिर मेरी फ्लाइट है तो बाबा जी बरसी ते दा नरोल संदवा मोहन सिंह के जीवन उत्ते बेनती करांगा ते संगत की आवाजाही रही हुण भी कई ने मिलन आना क्योंकि तुहानूं पता सारे ड्यूटियां वाले है इस करके मैनूं छुट्टी दे दिओ जित दा मेरा भी करदा सी बिच बैठा क्योंकि अपना तो कम ही यह है दुआ कम ही है नहीं बाबा ज्वाला ने बाकी सारे धंधे नबेड़ दिते है इको ही रह गया ये होर कोई धंधा नहीं ना कोई फुरना ना कोई छाया यह है तो यह संगत महापुरख गुरु महाराज की असीस नाल ही ये बरकत जड़िया प्राप्त होनी अपनी चतराई दे नाल नहीं। लो एक धारना पढ़ांगे उतों बाद फिर तुसीं अपना शुरू कर लियो। बहुते जुग फिरदे फिरदे नू 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 मानस देही मिल गई बहुते जुग फिरदे फिरदे नू बहुते जुग फिरदे फिरदे नू मानस देही मिल गई बहुते जुग फिरदे फिरदे नू बहुते जुग फिरदे फिरदे नू मानस देही मिल गई बहुते जुग फिरदे फिरदे नू बहुते जुग फिरदे फिरदे नू मानस देही मिल गई बहुते जुग फिरदे फिरदे नू 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 भगवान बुद्ध कहंदे मैं पिछले जन्म च संडे दी जून विच सी बड़े बंदे दे हलों लुकाउंदे नहीं ना कहंदे जड़े ब्रिक्ष थले मैं रहिंदा सी उत्थे एक बांदर रहिंदा सी वो बड़ा शरारती सी वो मेरे शरीर ते चढ़ जांदा सी कदी कोई शरारत करदा सी कदी कोई शरारत करदा सी कहंदे मैं मस्त हो के पिया रहिंदा सी
मैं मन च विचारदा सी कि मेरे विच इहदे नाल बहुत वड्डा करते पुरख ने बल रखिया, मैं इहदे ढिड विच सिंग मार के इहदा ढिड पाड़ सकदा सी, पैर थले नप के इहनू मार सकदा सी, पर मैं खेमा बिरती धारी कि पता नहीं किहड़े जन्म च भटकदा भटकदा आया। जे आपू तो तकड़ा बंदा होवे उहदा जुलम बंदा बर्दाश्त कर लैंदा, ते माड़ा बंदा मोहरे बोल नहीं ना सकदा, पर कहिंदे जे माड़ा मेरे ते करदा ते मैनू बर्दाश्त कर लैना चाहीदा। खेमा कहिंदे उस खेमा ने मैनू ये मनुष्य जन्म दिता। फिर देख लो कित्थे वह पहुँचे। सो इस करके सुखदेव मुनि कहिंदा मैनू तीन जन्मों का ज्ञान आ, ब्यास का लड़का। एक जन्म कहिंदे मैं बिल्ला बनिया, एक जन्म विच रिछ बनिया, कहिंदा एक जन्म विच मैं खटमल बन गया। कहिंदा एक जट्टी घर वाले लई प्रशादा ले जा रही है, एक हाथ विच लस्सी की बाल्टी, एक जल्दी ते सिर ते छाबा प्रशादियां दा ताल सब्जी रखी हुई है। उहदे कहिंदे वस्त्रां च मैं मांगणू चढ़ गया, कदी किते दंदी वड़ां कदी किते, वह बड़ी परेशान हो गई। कदी कूणी मारे मैं दूए पासे दौड़ जां, बहुत वो बेहाल हो गई। उन्हों बाल्टियां रख दित्तियां, टोकरा ला के रखता, उन फिर कपड़े देखा किथे है, कपड़े दे बिची मैनू फट के वह मल के मार दिता। ये ब्यास का लड़का सुखदेव मुनि कह रहा भी किहड़े किहड़े जन्मां च भटकदे कहिंदे आए हाँ, तो हुण मिलिया। ये मनुष्य जन्म साडी चितराई ना नहीं मिलिया, उहदी कृपा ना मिलिया, असियां शराबां कबाबां नशियां च फैशन पै के नूं बर्बाद कर रहे हैं। ये गुरु नानक साहब के गुरद्वारे बनाए आ, निशान चलाए आ, कथा कीर्तन दवान हुंदे आ, नाम अभ्यास समागम बनाउने आ, इत्थे आ के भी पारण करो, ये करीतियां छाड़ो। ये करीतियां साडी सिख कौम के बकार नूं बहुत सट मार रही। अगे जिथों सिंह लंघ जांदा सी ना, कहिंदे आए नहीं निहंग, दरवाजे खोल दिओ निसंग, क्योंकि उन्हों का जीवन इन्ना उच्चा सी। हुण साडा करदार इह जिहा बन गया, वो देख के कन्नी कतराउण लग पए लोग। बगाने देसां विच आए हैं, परदेसां च आए हैं, अपना जीवन इन्ना उच्चा सुचा बनाओ, तुहानू देख के लोग ही अपना जीवन बदलना शुरू कर देण। इस करके प्यारो ज़्यादा समा नहीं, तो अपना जिहड़ा कार्ज यानी जी हैं ते आरंभ करिए। सतगुर सच्चे पातशाह ने बड़ी कृपा की है, निहंग सिंह बच्चे आए है। अज एक निहंग सिंह मैं पुछंगिया की करदा, कहिंदे वकालत। मैं कहा बाणा इवें रखोगे? कहिंदे जी महाराज कृपा करनगे इवें। मन नूं बड़ी प्रसन्नता हुई भी गुरु महाराज की कृपा ना नौजवान परिपक्व हो रहे है चढ़दी कला च। इस तरह जे आपां सारे तुरांगे तो ये अकाल पुरख की फौज फिर जिधर जाओगे चढ़दियाँ कला होणगियां, चढ़दियाँ कलां दा सुपना लैके तुहाडे चरणां च आए हैं। होर तो कोई इच्छा नहीं, माया पदार्थां दी तो उत्थे कोई कमी नहीं। बयान त्या इत्थे आउण दा प्रयोजन ये कि गुरु नानक साहब का जो सिद्धांत उहदे लई बेनतियां करिए। आपां अपने तुरे महाराज मेहर करन। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। बोले सो निहाल सतरे अकाल। बहुत बहुत धन्नवाद समुची संगत वालों, गुरु घर की प्रबंधक कमेटी वालों, स्टाफ वालों, दासां वालों, संत बाबा जगजीत सिंह जी हरखोवाल वाले। सो ऐसे महापुरशां दे गुरु प्यारे हो, आपां नूं दो सालां बाद दर्शन हुए है और शरीर करके चलो इन्हां दे प्रवचन तां आपां याद करदे रहीदा और याद करदे रहांगे, और जे इन्हां बचनां ते चलांगे वाकया ही साडा जिहड़ा जीवन है वह बदल जाएगा। हुणे हुणे देखो क्या कैसा बचन किया महापुरशां ने, भी जे साडा जीवन उच्चा होवे और जिहड़ी गल नसंगता दी कीती है वाकया ही गुरु प्यारिओ, सो साडे वल देख के भी होरना दे जीवन बदल सकते ने।
सो मैं फिर दोबारा समुची संगत वालों और प्रबंधक कमेटी वालों बाबा जी हुणां नूं जी आया आखदा होया सो समुची संगत का भी धन्नवाद करदा। उत्थे बेनती करदे आ कि अगले शनिचरवार सो साहिबगुरु तेग बहादुर महाराज सो साहिबां दा शहीदी पुरब 6:45 ते 11 श्री सहज पाठां दे प्रोग्राम होने ने। आप सरबत संगतां ने शमूलीयत करनी है, हाजरियां भरनी आए और भाई मती दास जी, भाई सती दास जी, भाई दयाला जी, सो समूह सिखां नूं भी आपां कोटान कोटान प्रणाम करना है। हुण मैं बेनती करांगा सो गुरु घर दे सेवादार भाई दलजीत सिंह जी, उत्थे भाई त्रिलोचन सिंह जी कलरा और निहंग सिंह फौजा, बाबा बलवीर सिंह जी, वह बाबा जी हुणां दा मान सन्मान करनगे। मान सन्मान तो असी कर नहीं सकते गुरु प्यारिओ, फिर भी असी उन्हां नूं गुरु घर वालों गुरु प्यारिओ जी आया आखदे होए गुरु घर वालों लोई सरोपा दे के बाबा जी हुणां दा धन्नवाद करदे हां। और ये बेनती साडी प्रवान करन बोले सो निहाल, बोले सो निहाल। श्री मान संतवा करतार सिंह जी महाराज पिंडरां वाले महापुरखां दे स्थान ते गए सी, जथे समेत कोई दिन ब्रह्म विद्या दा प्रचार करदे रहे, अमर प्रचार होए, सेवादारां संगत वालों महापुरखां नूं सरोपा बख्शिश होया। उन्हें गुरु महाराज दीआं पंगतियां द्वारा बेनतियां कीतियां सी, सिर पाओ जड़ा पाओ पैरों तो लैके सिर ती पड़दा कजे, उहदा नां है सरोपा। निर्गुण राख लिया संतन का सदका, सतगुर ढाक लिया मोहे पापी पड़दा, प्रेम पटोला तैं सह दिता ढक्कण कू पत मेरी, आम केरी रागी तैं सह दिता कि असी तैनू दिता। ये कौंकट ना अर्थ किन्ना बदल गया, तैं सह दिता हे पातशाह तुसी सानू दिता। ये गुरु नानक पातशाह का घर आ जिहड़ा सारिआं दे पड़दे कजदा। हुण भाई तुसी नाम बारे कुछ अकेशनां जिहड़ियां सियां सारे तुसी पढ़े लिखे हैं, वो बेनती करती है ते हुण अपना करियो। अज चल सो चले रही है ते कुछ फेर मिलन आ जांदे आ, इस करके माफ़ी आनंद तो बहुत हुंदा पर रल मिल के सारे बड़ा इस गुरु घर विच इह कि उम्र ज़्यादा पूरी है, पाठां दी भी विधि विधान सारा गुरमत अनुसार जो पुराणा टकसाला संप्रदा चलता इस गुरु घर च उम्र ज़्यादा चलती है। खुश हुंदा मन भी है, नहीं तो अजकल आपो अपनी उम्र ज़्यादा बनाई जाते हैं, पर बरकत उहदे च मिलनी है जो गुरु महाराज बना के गए हैं, उहदे च महाराज बख्शिश मिलनी है। तो भाई दलजीत सिंह जी का सारी प्रबंधक कमेटी, निहंग सिंह, सारिया संगतां का, ग्रंथी सिंघां का, ढाडी सिंह, रागी सिंह, ज्ञानी, जिनी भी समुची संगत, क्योंकि 88 तो मैं आना किन्ने साल हो गए, बच्चा बच्चा वाकव्या, सारे प्यार करते हैं, सारिया संगतां का बहुत बहुत धन्नवाद है। आ करोना कराना जड़ा ना ये भज जाऊगा जे नाम अभ्यास करोंगे, क्योंकि सर्व रोगो औखद नाम कल्याण रूप मंगल गुण। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।